जी हाँ गाइस, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा पिया की ही याद आए। हमें बहुत बार हमारे फ्रेंड्स की, हमारे रिलेटिव्स की भी याद आती है, लेकिन उन्हें ये बताने के लिए हम वही पुराना घिसा पिटा आई मिस यू यूज कर देते हैं। चाहे हम उन्हें कितने भी स्ट्रॉन्गली याद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वही आई मिस यू। तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक और टुडे वी गोना टॉक अबाउट द सेंटेंस आई मिस यू एंड हाउ कैन वी से इट इन डिफरेंट वेज इन इंग्लिश। ओके, सो फर्स्ट फ्रेज वी आर टेकिंग आई विश यू वर हियर, काश तुम यहाँ होते। ये बहुत ही सिंपल सी फ्रेज है और हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स या आपके हस्बैंड। आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो आई विश यू वर हियर। एंड अनदर वन यू कैन यूज, आई स्माइल व्हेन आई थिंक ऑफ द टाइम वी स्पेंड टुगेदर। मैं उन लम्हों को याद करके बहुत मुस्कुराती हूँ जो हमने साथ में बिताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई भी फ्रेंड हो या रिलेटिव हो जिनके साथ आप अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, तो आप उनके लिए यूज कर सकते हैं आई स्माइल व्हेन आई थिंक ऑफ द टाइम वी स्पेंड टुगेदर। नेक्स्ट फ्रेज वी आर टेकिंग, आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई सी यू अगेन। ये आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, तो आप उन्हें आई मिस यू कहने के बजाय कह सकते हैं आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई सी यू अगेन, कि मैं दिन गिन रही हूँ कि मैं तुम्हें कल दोबारा देखूंगी। या आप कह सकते हैं आई कांट वेट टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। या फिर आप कह सकते हैं आई कांट स्लीप बिकॉज आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ यू सो मच, कि मैं रात को सोती नहीं हूँ या मैं रात को सो नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं पूरी रात तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप ये फ्रेज जरूर यूज कीजिएगा, आपके हस्बैंड को ये बहुत पसंद आ सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टेकिंग यू हैव बीन ऑन माय माइंड। इसका मतलब कि तुम मेरे पूरे दिमाग में घूम रहे हो, मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बहुत ही अच्छे पर्सन से मिले हैं, आपने बहुत ही अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया और अब आप घर चले गए हैं, लेकिन आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उनका कॉल करके बोल सकते हैं यू हैव बीन ऑन माय माइंड, दैट आप मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। या फिर आप उनको कह सकते हैं आई क्रेव फॉर यू, इट मीन्स आई एम वॉन्टिंग टू मीट यू अगेन, कि मैं चाह रही हूँ हम दोबारा मिले। नेक्स्ट यू कैन यूज आई फील सैड विदाउट यू, कि मैं तुम्हारे बिना उदास महसूस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है जो अब आपके साथ नहीं रहती है, वो कहीं और चले गए हैं, तो आप उनके लिए यूज कर सकते हैं आई फील सैड विदाउट यू, कि मैं तुम्हारे बिना बहुत ही उदास रहती हूँ। या आप उन्हें कह सकते हैं आई मिस यू सो मच एंड इट हर्ट, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ और ये सच में बहुत तकलीफ देता है। हाँ, सभी को तकलीफ होती है जब हमारी कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ हम अपना सब कुछ शेयर करते हैं, अपना पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं और वो सडनली हमें छोड़कर चली जाए, हम उसे बहुत मिस करते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये सारी फ्रेज बहुत पसंद आए होंगे और आप इनका यूज जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को